हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश शर्मा एचआर रियल्टर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही लग्जरी भी नहीं, एक्चुअली ये एक्स्ट्रा लग्जरी हाउस आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि 500 गज में बना हुआ है। और आप देख सकते हैं इसकी लुक अगर आप देखना चाहें तो, और इसमें कुछ प्लस पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो ये फेसिंग है इसकी, वो रहेगी ईस्ट फेसिंग, यानी चढ़ते सूरज की तरफ इसका फेस रहेगा, और इसके सामने ही आपको पार्क मिल जाता है। ये पार्क फेसिंग है, और जो भी पूरा घर ये बना है, ये वास्तु के अकॉर्डिंग बना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 बेडरूम बंगलो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ये हमारी बर्म है, जिसमें आप 3 से 4 गाड़ियाँ इजिली पार्क कर सकते हैं। और इसके बाद ये है बड़ा सा गेट, जहाँ से एंट्री होती है हमारे बंगलों की। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको इस बंगलों के अंदर भी 4 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है। आप वो चाहे छोटे साइज़ की कार हो या बड़े साइज़ की कार हो, आप इसमें 3 से 4 गाड़ियाँ इजिली पार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्पेशियस पार्किंग है। और यहीं पे आपको मिल जाता है एक छोटा सा गार्डन, आपका प्राइवेट गार्डन, जिसमें कि आप चाहें तो इवनिंग में, मॉर्निंग में आप आराम से अपने चाय कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर कितना स्पेशियस है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 500 गज का, जैसे मैंने आपको बताया है, ये 500 गज में बना हुआ है, और बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी जिसे कह सकते हैं, अल्ट्रा लग्जरी ये है। और एक प्लस पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आप एंट्रेंस देख रहे हैं स्टेयर्स की, ये बेसमेंट से होते हुए सीधा आपकी जो बैकयार्ड है उसकी तरफ जाती हैं, ताकि अगर कल को आप कोई सर्वेंट रखते हैं तो आपके घर में एंट्री ना करने की बजाय वो डायरेक्ट स्टेयर से एंट्री कर सकता है किचन की तरफ। और ये रहेगी हमारी मेन एंट्रेंस। आप एंट्रेंस का डोर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी मेन एंट्रेंस हमारे बंगलों की। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप एंटर करेंगे, एक बहुत बड़ा, एक बड़ा स्पेशियस जो लुक है, एक जो स्पेशियस और खूबसूरत जो एक व्यू है वो आपको मिल जाता है। और ये रहेगा आपका ड्राइंग रूम, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है, फॉल सीलिंग्स में आप देख सकते हैं। और जो ये विला है, ये रहेगा फुली आपका सेंट्रली एसी। अगर आप देखेंगे तो ये सेंट्रली एसी है, और एक बहुत बड़ी विंडो आपको इसमें मिल जाती है, जैसा कि आप फ्रंट में देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो आपका ग्रीन एरिया है वो इसमें आपको मिल जाएगा। और इस एरिया को अगर आप चाहें तो इसको एक्स्ट्रा सिटिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस जगह को आप यूज़ कर सकते हैं अपना फैमिली लाउंज एरिया या अपना कॉमन एरिया, इसको एज यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें भी अगर आप देखेंगे, सेंट्रली एसी का प्रोविज़न इसमें आपको मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको लिफ्ट भी दी गई है, जो कि आपकी टेरेस तक जाती है। और ये एरिया रहेगा आपका डाइनिंग एरिया, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत शैंडेलियर इसमें लगे हुए आपको मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये है हमारी बहुत ही बड़ी और स्पेशियस किचन, अल्ट्रा मॉडर्न किचन है, काफ़ी स्पेस इसमें आपको मिल जाता है अगर आप स्टोरेज चाहते हैं, आपकी बहुत बड़ी पेंट्री इसमें आपको मिल जाती है, आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी है इसमें। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो इसमें कैबिनेट्स हैं, आपको बहुत से कैबिनेट्स इसमें आपको मिल जाते हैं, 100 क्लोजर के साथ सारे आपको कैबिनेट्स इसमें मिल जाएंगे। चिमनी इसमें आपको एक ब्रांडेड चिमनी, एक ब्रांडेड हॉब इसमें आपको मिल जाती है, और आपका OTG माइक्रोवेव ये भी आपको इसी में मिल जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। और इस किचन में जो ड्राई किचन और वेट किचन का कंसेप्ट है वो सेपरेट है, यहाँ आपका वेट किचन आ जाता है, ताकि
जो भी आप वॉशिंग वाला काम कर रहे हैं, ताकि आपका जो ड्राई किचन है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और यहाँ भी आपको स्टोरेज मिल जाती है आपके वेट किचन में भी। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं, वुडन फ्लोरिंग इसमें आपको मिल जाएगी। और यह है हमारा बैकयार्ड। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका सर्वेंट है वो जो साइड की स्टेयर्स है उससे एंटर करेगा, और इसी स्टेयर से एग्ज़िट करके स्ट्रेट किचन के लिए इसकी एंट्री हो जाएगी, ताकि वो अपना किचन में काम करे या जो भी आपका सर्वेंट है, कुक है, और इसी स्टेयर से वो डायरेक्ट बाहर चला जाए, ताकि उसको घर के बीच में से आने की जरूरत ना पड़े। और ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं, ये टॉप फ्लोर पर टेरेस में, यानी कि आपको दो सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम इसमें आपको मिल जाएंगे। यानी अगर आप कल को सर्वेंट रखना चाहते हैं उनके लिए प्रॉपर हमने रूम तैयार किया है इसमें। और ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। अभी थोड़ा कुछ इसमें इंस्टॉलेशन थोड़ा बाकी है। जैसा आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको इसमें मिल जाएगा, बेड इसमें आपको मिल जाएंगे। और देख सकते हैं जो बेड की जो बैक है वो पूरा एक आपको वुडन टच वाला जो वॉल आपको उसमें मिल जाएगी। आपका LED पैनल इसमें रहेगा और एक बहुत बड़ी विंडो आपको इसमें मिल जाती है। और ये एरिया जो रहेगा वो रहेगा आपकी स्लाइडिंग अलमीराज की। तो आप देख सकते हैं आपके दोनों ही साइड आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है, और इवन अलमीरा के नीचे भी आपको ड्रॉस दिए गए हैं। और ये है आपका वॉशरूम, आप देख सकते हैं वॉशरूम भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इवन इसमें भी आपको फैन, शैंडेलियर इसमें आपको मिल जाते हैं, ग्लास पार्टीशन इसमें आपको मिल जाती है। फ्रेंड, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे कि ये एक अल्ट्रा लग्जरी हाउस है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो भी चीज़ यूज़ हुई है, इवन फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूं, इवन मैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की बात करूं, या बाथ फिटिंग्स की बात करूं, या किचन फिटिंग्स की बात करूं, जो भी टॉप से टॉप ब्रांड है वो इसमें यूज़ किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक अल्ट्रा लग्जरी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई छोटा या नॉर्मल ब्रांड इसमें यूज़ किया गया हो। एंड ये है हमारा सेकंड बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। आप देख सकते हैं ये भी बहुत स्पेशियस है। एज इट इज़ आपको मिल जाता है विद LED पैनल। इसमें भी आपको बेड ऑलरेडी मिल जाएगा, और ये बड़ी सी विंडो है। और अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो आपका पार्क है फ्रंट में, इस बेडरूम से आपका जो फ्रंट यार्ड है उसकी भी एक्सेस आपको मिल जाती है, जो कि सामने स्ट्रेट आपका खुलता है आपके छोटे पार्क की तरफ, जो लॉन एरिया है। और इसमें भी पहले ही बेडरूम की तरह आपको सेपरेट एरिया मिल जाता है अलमीराज के लिए। काफ़ी स्पेशियस है। और ये रहेगा इसका अटैच वॉशरूम। इसमें भी आपको शैंडेलियर, फैन इस वॉशरूम में मिल जाएंगे, ग्लास की पार्टीशन आपको इसमें मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी, इवन वॉशरूम की अगर मैं बात करूं, बेडरूम्स की बात करूं, या किसी भी चीज़ की बात करूं, खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। और अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं, ब्रांड्स में कोई कमी, जो भी हमने ब्रांड्स यूज़ किया है उसमें कोई कमी नहीं है। और जैसे ही आप इस बेडरूम से बाहर आते हैं, ये एरिया आपको एक स्टोरेज एरिया मिल जाता है, ये स्टोर है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें 2 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पर और 3 बेडरूम आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाते हैं। और जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करते हैं, आपको दिखेगा ये बहुत ही बड़ा खूबसूरत शैंडेलियर इसमें लगा आपको मिल जाता है सेंटर में।
इवन आप ये पूरी वॉल देखेंगे, ब्रांडेड टाइल आपको मिल जाती है, जिससे कि इस जो वॉल की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके फर्स्ट फ्लोर पर, ये बहुत बड़ा स्पेशियस लिविंग एरिया जिसमें कि आप अपना एक फैमिली लाउंज एरिया बना सकते हैं। अगर आप चाहें इस साइड डाइनिंग एरिया भी इसको सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि इस फ्लोर पर आपको एक छोटी सी पेंट्री भी मिल जाती है। इस एरिया को आप देख सकते हैं, इसको आप एज ए फैमिली लाउंज एरिया यूज़ कर सकते हैं। और यहीं से आपको एक्सेस मिल जाती है आपकी बालकनी के लिए। आप जैसा कि देख सकते हैं कितनी स्पेशियस बालकनी है। अगर मेरी बैक साइड पर अगर आप देखेंगे, यहाँ आप अपना 3 सीटर 4 सीटर जो कॉफ़ी टेबल है इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर। और अब हम इस टाइम जो फेसिंग है, ये फ्रंट फेसिंग में खड़े हैं। आप देख सकते हैं एक खूबसूरत पार्क आपको आपके फ्रंट में मिल जाता है बंगलो के। ईस्ट फेसिंग है, चढ़ते सूरज की तरफ है और ये वास्तु फ्रेंडली हाउस है। तो जो लोग यकीन रखते हैं कि हाँ उनका घर यह वास्तु फ्रेंडली होना चाहिए, तो इसमें आपको वो सब चीज़ मिल जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी पेंट्री आपको मिल जाती है। अगर कभी आप अपने ऊपर वाले बेडरूम में हैं और अगर आप नीचे वाला किचन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी पेंट्री आपको आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाएगी। और ये है हमारा थर्ड बेडरूम, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। इसको भी आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है। LED पैनल इसमें आपको मिल जाएगा। बहुत ही सोबर जो कलर यूज़ किए गए हैं इसमें, जो कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सिंपल और सोबर कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है इसमें। एक बड़ी सी विंडो इसमें आपको मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपका फैमिली लाउंज एरिया है वहाँ से आपकी एक्सेस है, और यहाँ से भी आपको एक्सेस मिल जाती है एक बालकनी के लिए। और फ्रेंड्स, ये है हमारा थर्ड बेडरूम का अटैच वॉशरूम, जैसा कि मैंने आपको नीचे वाले फ्लोर में दिखाया था। इसमें भी आपको स्लाइडिंग अलमीरास मिल जाती हैं दोनों साइड। तो स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, किसी भी बेडरूम में स्टोरेज की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि स्टोरेज काफ़ी मिल जाती है इसमें आपको। और ये है इसका वॉशरूम, आप देख सकते हैं वॉशरूम एक से बढ़कर एक खूबसूरती में, सारे वॉशरूम एक से बढ़कर एक हैं। फैन, एक शैंडेलियर, ग्लास की पार्टीशन, एक बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ फोर्थ बेडरूम की तरफ। यह है हमारा फोर्थ बेडरूम। इसमें भी अगर आप देखेंगे, जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही सिंपल और बहुत ही सोबर कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूं, वुडन फ्लोरिंग इसमें आपको मिल जाती है, बेड इसमें आपको मिल जाएंगे। और जैसा कि नीचे वाले बेडरूम में हमने देखा था, एक बहुत बड़ी विंडो इसमें आपको मिल जाती है। अगर आप साइड में देखेंगे, इसके मैश डोर आपको मिल जाते हैं, ताकि प्रॉपर जो हवा की वेंटिलेशन है वो होती रहे आपके रूम में। और एक LED पैनल इसमें आपको मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी है। ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि जो हमें रोज़ रोज़ देखने को मिले। और जैसा कि हमने और बेडरूम्स में देखा है, इसमें भी आपको स्लाइडिंग अलमीरा मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टोरेज की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी बेडरूम में अगर आप हो तो। और ये है इसका अटैच वॉशरूम। इसमें भी अगर आप देखेंगे, बहुत खूबसूरत रंगों का यूज़ किया गया है, जो कलर कॉम्बिनेशन है और पैटर्न सेम रहेगा। आपको ग्लास की पार्टीशन मिल जाती है, फैन इसमें आपको मिल जाता है, एक बहुत ही खूबसूरत शैंडेलियर इसमें आपको मिल जाता है, और बहुत ही खूबसूरत वैनिटी आपको इसमें मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब आपको ले चलता हूँ हमारे फिफ्थ बेडरूम की तरफ, जो कि हमारा लास्ट बेडरूम है। ये है हमारा फिफ्थ बेडरूम।
ये सामने इसका LED पैनल इसमें आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये बंगलो है, अभी इसकी जो कंस्ट्रक्शन है अभी चल ही रही है, तो अभी काफ़ी चीज़ें इसमें होने वाली भी हैं अभी। और ये आपकी इसमें आपको अलमीरा मिल जाती है, और ये है इसका अटैच वॉशरूम। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं, जैसे कि इवन वॉशरूम की बात करूं, बेडरूम की बात करूं, फ्लोरिंग की बात करूं, कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं, बहुत ही खूबसूरती से इसको यूज़ किया गया हर चीज़ को। और इस बेडरूम से आपको एक्सेस मिल जाती है आपकी बैक बालकनी की तरफ। तो आप देख सकते हैं, इवन आपका कोई भी बेडरूम हो, अगर आप दिन में आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आपके घर में, तो आप उस टाइम पर भी देख सकते हैं प्रॉपर आपको सनलाइट इसमें आपको मिल जाती है हर बेडरूम में। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी पेंट्री आपको इसमें मिल जाती है। तो इसी के साथ ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए डाइनिंग एरिया, जो कि आप फर्स्ट फ्लोर पर भी सेटअप कर सकते हैं। और यहीं से आपको एक्सेस मिलेगी आपकी बैक बालकनी की तरफ। और अगर मेरे राइट में जो स्टेयर्स देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि दो बेडरूम जो हैं वो हैं आपको टॉप फ्लोर पे मिल जाते हैं, उसको आप चाहे एज ए सर्वेंट रूम यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उन बेडरूम को आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको गेस्ट रूम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये बंगलो? होपफुली ये बंगलो आपको बहुत पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी है, जो कि 500 गज में यानी कि एक कनाल में बना हुआ है। इसकी फेसिंग जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ईस्ट फेसिंग है। और ये वास्तु फ्रेंडली हाउस है, यानी कि वास्तु के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट हाउस है। और ये 5 बेडरूम, जिसमें कि 2 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पर, 3 बेडरूम आपको फर्स्ट फ्लोर पर, और 2 बेडरूम आपको टॉप फ्लोर पर इसमें आपको मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स ये जो लोकेशन इसकी रहेगी वो रहेगी मोहाली का, बहुत ही पॉश सेक्टर है ये, बहुत ही एक अच्छा सेक्टर है, मोहाली के मेन सेक्टर में आपको ये बंगलो मिल जाता है। बाकी फ्रेंड्स आप वीडियोस में देख ही चुके हैं, किसी ब्रांड में, किसी फिटिंग्स में, या किसी भी चीज़ में, या फ्लोरिंग हो, इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो, किसी भी चीज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन चीज़ों के साथ इस बंगलो को तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स इस बंगलो के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या इस बंगलो को आप विज़िट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, हम फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ।